हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि हमने आपके साथ वादा किया था इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाने के लिए, ठीक है, हमने कल से स्टार्ट कर दिया था आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाना। यदि आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में हैं उत्तराखंड और यूपी में, आपका विद सेलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपका सेलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम आपको कम्प्लीट इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाएंगे, ठीक है। हमने सबसे पहले टॉपिक लिया है आपका ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन, यानी कि थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन, प्रिंसिपल मेथड जो होती है प्रोजेक्शन के, वो हमने पहला टॉपिक लिया है, जिसमें हमने कल आपको कुछ थ्योरी बताई थी, जिसमें आपको बताया था कि फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में कैसे ड्राइंग बनती है, और फर्स्ट एंगल में वीपी कहाँ पर होता है, एचपी कहाँ पर होता है, ये सब कुछ मैं आपको इससे पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए आज शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक दिखाया है, ये ब्लॉक को हमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की हेल्प से बनाना है, ठीक है। हमें क्या करना है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की हेल्प से ये जो ब्लॉक बोल दो, गुटका बोल दो, और चाहे आप इसको ऑब्जेक्ट बोल दो, जो ये एक यहाँ पर ब्लॉक दिखाया गया है, इसको हमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की हेल्प से ड्रॉ करना है। किसकी हेल्प से? यहाँ पर लिखा है हमने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ठीक, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की हेल्प से हमें ये ब्लॉक ड्रॉ करना है। अब हमें कैसे दिखाई देगा, अब हमें सब ये पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है सिंपल करने के लिए, ये एरो जो लगा है ये मेरा फ्रंट साइड है, फ्रंट व्यू इस साइड है, और ये मेरा साइड व्यू है, और ऊपर से मेरा टॉप व्यू है, ठीक है। टॉप से मैं कैसे दिखाई देता है, फ्रंट से मैं कैसे दिखाई देता है, साइड से मैं कैसे दिखाई देता है, इस सब के बारे में भी इस लेक्चर में बात करेंगे। अगर आपने ये लेक्चर कंप्लीट और अच्छे तरीके से देख लिया तो आपको कोई भी गुटका फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे हम एक ब्लॉक को दोनों साइड तरीके से बताएंगे आपको, इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की हेल्प से भी और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की हेल्प से भी बताएंगे। सबसे पहले समझिए आप क्या, सबसे पहले समझते हैं कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वीपी कहाँ पर होता है और एचपी कहाँ पर होता है, ठीक है। तो हम पहले सिंपल लैंग्वेज में लीजिए, ये आपकी कंडीशन किसकी होती है, थर्ड एंगल की। थर्ड एंगल में ये क्या होता है आपका, एचपी। हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ पर क्या होता है, वीपी। वर्टिकल प्लेन ये क्या होता है आपका, फिक्स, ये फिक्स होता है। और एचपी क्या करता है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करता है। तो ये क्या होगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और थर्ड एंगल में, थर्ड एंगल में अब एच पी कहाँ चले जाएगा, ऊपर। तो एच पी कहाँ गया, ऊपर, और वी पी कहाँ रह गया, नीचे। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, एच पी अपॉन वी पी। जो ये अपॉन है इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी होती है रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन, ये हमारी होती है रेफरेंस लाइन, जिसको हम बोलते हैं संदर्भ रेखा। चलिए अब समझते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या कंडीशन होती है। देखो जो मैं अब नोट करवा के लिखवा रहा हूँ, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करके लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन ड्रॉ करना शुरू करेंगे, पहले समझो कि हमेशा, ठीक है, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू इज ऑलवेज, फ्रंट व्यू इज ऑलवेज ड्रॉ वीपी, ठीक है। जब फ्रंट व्यू हम ड्रॉ करते हैं सदैव वीपी में ड्रॉ करते हैं, किसमें ड्रॉ करते हैं, वीपी, वर्टिकल प्लेन में। यानी कि फ्रंट व्यू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फ्रंट व्यू हमेशा वीपी वर्टिकल प्लेन में बनता है, ठीक है, ध्यान रखना, फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल प्लेन बनता है। वर्टिकल प्लेन नीचे हो तो फ्रंट व्यू भी नीचे जाएगा, वर्टिकल प्लेन ऊपर होगा तो फ्रंट व्यू भी ऊपर जाएगा। जैसे हमारा क्या, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वीपी कहां पर होता है, ऊपर, तो फ्रंट व्यू कहां पर बनेगा, ऊपर। अब देखो नंबर दो पॉइंट, प्लान या टॉप व्यू इज ऑलवेज ड्रॉ किसमें, एचपी। प्लान या टॉप व्यू, प्लान इसको नोट कर लेना, प्लान या टॉप व्यू जो मैं आपको नोट करवा रहा हूं, हमेशा इसमें बनता है, एचपी में बनता है। एच पी होता है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन,
बनता है। क्लियर है। अब बात करते हैं साइड व्यू। साइड व्यू हमेशा ऑलवेज क्या बनता है? साइड व्यू हमेशा लेफ्ट या राइट किसके हुए? फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू यदि आपका लेफ्ट में है तो साइड व्यू राइट में बनेगा, अगर फ्रंट फ्रंट व्यू आपका राइट में है तो साइड व्यू लेफ्ट में बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ नोटेड पॉइंट थे जो आपको याद करने हैं। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ रफ। ठीक, इसको मैं करता हूँ रफ और आपको बताता हूँ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में थोड़ी सी डिटेल, फिर बनाना शुरू करेंगे हम इस ऑब्जेक्ट को। ये समझे, ये नोट कर लेना जो मैंने यहाँ पर लिखवाया, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बात करते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में थोड़ी सी। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड हम कैसे यूज करते हैं? देखो, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, एचपी ऊपर और वीपी नीचे। अब रूल समझो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का। रूल क्या है? रूल क्या है, फ्रंट व्यू को आप जिस साइड से देखते हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं फ्रंट व्यू को जिस साइड से देखते हैं वह उसी साइड में बनता है। अब देखो किसके बनेगा, किसमें? वीपी में बनेगा, वर्टिकल प्लेन में। अब देखो फ्रंट व्यू को मैं इधर किस साइड से, आप देखो कि आपके किस हैंड की साइड में पड़ेगा, राइट हैंड की साइड में, तो राइट हैंड पर बनाएंगे हम, राइट हैंड पर बनाएंगे और किस में बनाएंगे, वीपी में बनाएंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा, फ्रंट व्यू हमेशा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का क्या रूल है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का रूल है, फ्रंट व्यू को जिस साइड से हम देखते हैं, फ्रंट व्यू को अगर हम राइट साइड से देखेंगे तो हम राइट साइड में बनाएंगे और किस में बनाएंगे, वीपी में बनाएंगे। अगर हम फ्रंट व्यू आपका इस साइड में होता, लेफ्ट हैंड पर होता, तो अब लेफ्ट हैंड पर देखने पर आपको फ्रंट व्यू लेफ्ट साइड में बनाते और किस में बनाते, वीपी में बनाते। ठीक है, तो इसका रूल है। और थर्ड फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, आप जिस साइड से देखते हो जस्ट उसके विपरीत साइड में आपको फ्रंट व्यू बनाना पड़ता है। चलिए, ठीक है, ये था थर्ड एंगल के लिए। अब करते हैं हम क्वेश्चन को सोल्व करना। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को, जो हमारा क्वेश्चन है इसको ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्केल को जीरो पर सेट कीजिए। स्केल को जीरो पर सेट करने के बाद एक रेफरेंस लाइन एक्स एक्स ऐसे ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ये एक रेफरेंस लाइन आपको यहाँ पर हमने ड्रॉ की एक्स वाई। अब इसको दो जैसे क्वाड्रेंट होता है इस तरीके से चार पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है, समझना पूरा अच्छी तरीके से, हम आपको बताएंगे। ठीक, और लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी क्या करो, जो और भी बच्चे लाभ उठा सके। अब देखो, हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है तो ऊपर क्या होगा एच पी, नीचे क्या होगा वी पी। आपको समझाने के लिए, अब ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का पूरा पोर्शन है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की ये मेरी है आर एच एस राइट हैंड साइड, और इस साइड है मेरी एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो वी पी कहाँ पर है, नीचे। अब हम बनाना शुरू करते हैं फ्रंट व्यू। हम क्या करते हैं, बनाना शुरू फ्रंट व्यू। अब देखो फ्रंट व्यू आपका किस साइड में है, राइट साइड में। फ्रंट व्यू आपका किस साइड में है, राइट साइड में। तो राइट साइड में, तो राइट साइड में बनेगा, और फ्रंट व्यू हमेशा किस में बनता है, वीपी में बनता है। फ्रंट व्यू वीपी में बनता है तो इसकी राइट साइड क्या है, ये। तो हम इस साइड में बनाएंगे। अब हम देखते हैं कि फ्रंट व्यू से हमें क्या क्या दिखाई देता है। फ्रंट व्यू से हम जब देखते हैं तो क्या, सबसे पहले देखते हैं नीचे से शुरू करते हैं। मैं डॉटेड कर रहा हूं, मुझे ये पोर्शन दिखाई देगा, ये पार्ट दिखाई दिया, और मुझे सामने से देखने पर ये पार्ट दिखाई दे रहा है इस ब्लॉक का, और ये पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है सामने से देखने पर, और साथ ही साथ ये पार्ट भी मुझे सामने से देखने पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो फ्रंट व्यू से हमें क्या दिखाई देता है, फ्रंट व्यू से हमें किसी भी
बॉडी की क्या लंबाई और उसकी हाइट दिखाई देती है। क्या बोला मैंने? फ्रंट व्यू से देखने पर उस वस्तु की लंबाई और उसकी ऊंचाई दिखाई देती है। अब देखो आपको उसकी लंबाई दिखाई दे रही है और उसकी ऊंचाई दिखाई दे रही है। जो मैंने पोर्शन डॉटेड किया है, ये पोर्शन मैंने डॉटेड किया है ब्लू पेन से, तो यही हमें सिर्फ ड्रॉ करना होगा फ्रंट व्यू में। पहले ये दिखाई दिया, फिर आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कुछ दिखाई दे रहा है? साइड नहीं दिखाई देने की, टॉप नहीं, आप ऊपर से फ्लैट पोर्शन नहीं आपको दिखाई देगा। ठीक है, ऊपर से फ्लैट पोर्शन नहीं आपको दिखाई देगा, तो आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है। अब इसी को हम क्या करते हैं, ड्रॉ करना शुरू करते हैं। अब देखो ऑल डायमेंशन इन एमएम, 80 mm कितना हो जाएगा आपका? 8 cm। तो हम क्या करते हैं, यहां पर लेते हैं स्केल को, और आपका ये कितना है, ये है आपका 8 cm। ठीक है, 8 cm आपको दिखाई दिया। अब यहां पर इसकी हाइट कितनी दिखाई दे रही है, इस साइड दिखा रखा है देखो कहीं, कितनी है? 12 mm, यानी कि 1.2 cm। तो 1.2 cm हम कहाँ पर दिखाएंगे? ये पोर्शन, ये पोर्शन हमारा क्या है, 1.2 cm का है। अब ये पूरा इधर से वहां तक दिखाई दे रहा है, तो इसको बना दीजिए कंप्लीट 8 cm पर। ठीक है, ये बनाया, ये हमारा कितना था, 8 cm हमें दिखाई दिया और 1.2। अब देखो इसमें पार्टीशन है, ये 30 cm, सॉरी 30 mm इधर, 30 mm इधर, बीच में कट 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 पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है 20 mm का। तो क्या करना है आपको, 30 cm इधर से लेना है, सॉरी 30 mm इधर से लेना है, 30 mm मतलब 3 cm। तो 3 cm पर ये दिखाया और बीच का पोर्शन कितना है, 2 का, तो 3 cm इधर से कट कट कर दीजिए, 3 cm इधर से कट किया ये। अब बीच में हमारे पास कितना बच गया, 2 cm का पोर्शन बच गया, यानी कि 20 mm का। ठीक है, तो ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है फ्रंट से देखने पर, ये दिखाई दिया। अब हम देखते हैं कि अब हमें ये दिखाई दे रहा है, इसकी हाइट कितनी है, 30 mm। ठीक है, इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से 30 mm हमने ऊपर लिया, कितना, 30 mm मैंने ऊपर, 30 mm मतलब 3 cm, 3 cm ऊपर लिया, और ये कितना लंबाई के साइड में जा रहा है, 25। तो 25 मैंने कैसे लिया, 25 यानी कि 2.5 cm, 2.5 cm लिया मैंने ऐसे। ठीक, अब देखो, अब ये आपका ऐसे स्लोप साइड, स्लोप साइड में आ रहा है, और इधर से 25 cm छोड़ गए, 25 mm मतलब 25 mm, 2.5 cm। तो 2.5 हमने यहाँ पर छोड़ा, ये पॉइंट लगाया मैंने, और इसको कैसे मिलाया, स्केल को किया लूज, और ये पॉइंट जो मैंने लगाया 2.5 सेंटीमीटर पर, इसको इसके टॉप कॉर्नर से ऐसे मिला दिया यहां पर, और ये इसके साथ में मैंने इसको ऐसे मिला दिया। ठीक, तो कुछ ऐसा मेरा क्या दिखाई देगा, फ्रंट हमें क्या दिखाई दिया, कुछ ऐसा मुझे क्या दिखाई दिया, फ्रंट दिखाई दिया। ठीक है, मैं देखो इसकी डायमेंशन आपको साथ के साथ शो करके दिखा रहा हूं, ये मेरा यहां से लेके यहां तक कितना है, 80 mm, ये मेरा कितना था, 80 mm। ठीक, अब देखो ये मेरा 30 mm और ये मेरा 30 mm। ठीक है, मैं साथ के साथ डायमेंशन आपको दिखा रहा हूं कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ये हमारा कितना था, 30 mm, ये हमारा 20 mm, जैसा सो रहा है ये मेरा 30 mm, क्लियर, ये कितना है 30, ये 20 और ये 30। ठीक, अब देखो ये आपकी थिक हाइट जो ऊपर को गई है 12 mm इस साइड में दिखाया, तो ये आपका कितना है, 12 mm, इस साइड में शो कर रहा हूँ 12 mm, और ऊपर की हाइट कितनी है, 30 mm की। तो ये हमने बनाया, अब देखिए ये हमने कितना उठाया था, 12 mm उठाया। अब ऊपर ये जो हाइट उठी थी ये कितनी थी, 30 mm, क्लियर। अब ये कितना है, 25। ठीक, इस साइड से ये कितना छोड़ा हमने, इस साइड से हमारा आया कितना, इस साइड से हमने कितना, 25 mm, यानी कि 2.5 cm। अब हमें करना क्या होता है, इसकी प्रोजेक्शन लाइन ऊपर लेकर जाएंगे, तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा फ्रंट व्यू, ये मेरा क्या बना, फ्रंट व्यू, क्या ये मेरा क्या बना, फ्रंट व्यू।
फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू को ही हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन। फ्रंट व्यू को ही हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन। ये भी ध्यान रखना आपको, फ्रंट व्यू बोल दो चाहे एलिवेशन बोल दो। अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रोजेक्शन लाइन ऊपर लेके जाएंगे, कि बार बार हमें डायमेंशन तो बनाने की जरूरत नहीं कि इतनी इतनी बार बार नापेंगे। तो हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन लाइन लेके जाते हैं ऊपर, यहां पर आइए और प्रोजेक्शन लाइन ऐसे ऊपर लेकर गए, प्रोजेक्शन लाइन ऐसे हम ऊपर लेकर गए इधर से भी, और जो ये हमारी पूरी लंबाई थी इस साइड से भी, ये प्रोजेक्शन लाइन ऊपर गई। क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अब देखो, ये इस साइड से हम लेकर गए, ये आपकी जो चौड़ाई थी यहां पर, कहां पर, ऊपर तक ऐसे ले गए। अब ये कॉर्नर भी जो 25 mm से हमारा ये आया हुआ था, तो इसको भी हम, इसकी प्रोजेक्शन लाइन भी हम ऊपर लेकर गए। ठीक है, ये प्रोजेक्शन लाइन का कुछ हम ऐसे ऊपर लेके गए। अब हम वस्तु को क्या देखते हैं, अब देखो एचपी में हमेशा क्या बनता है, प्लान यानी कि टॉप व्यू। अब मैं इसको देखूंगा ऊपर से, टॉप से, T4 टॉप। टॉप हमेशा किस में बनता है, एचपी में, और एचपी मेरा कहाँ है, ऊपर है, एचपी मेरा ऊपर है। अब देखो टॉप से आपको क्या क्या शो होगा, टॉप से आपको हमेशा उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई शो होती है, ध्यान रखना। टॉप से देखने पर किसी भी वस्तु की चौड़ाई और उसकी लंबाई, जैसे देखो मैं डॉटेड कर रहा हूँ, ये रेड रेड मार्कर से मैं डॉटेड कर रहा हूँ, तो आपको ये पोर्शन दिखाई देगा, ये दिखाई दिया, साथ ही ये फ्लैट एरिया है, ये टेपर आपको दिखाई देगा कहाँ तक टेपर जा रहा है। ठीक है, ये टेपर आपको दिखाई दिया कि टेपर कहाँ तक जा रहा है, साथ ही साथ ये आपको फ्लैट एरिया का ये पोर्शन ये दिखाई देगा, एक कटिंग दिखाई देगी कितनी डेप्थ में अंदर की ओर कटा हुआ है। ठीक है, ये पोर्शन आपको ऐसे शो होगा जो मैं डॉटेड डॉटेड कर रहा हूँ, ओनली फ्लैट फ्लैट एरिया। जैसे आपके घर की छत अगर आप टॉप से देखो तो आपको कैसी दिखाई देगी, सेम ऐसे ही आपको ये फ्लैट एरिया दिखाई देगा। ठीक है, तो मैंने जो जो पोर्शन डॉटेड किया है, गहराई तो जो नीचे डेप्थ वो तो दिखाई नहीं देगी, तो आपको ये डॉटेड पोर्शन दिखाई देगा जो मैंने रेड मार्कर से डॉट डॉट किया है, ये आपको दिखाई दिया, ये दिखाई दिया। अब देखो यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी है, 80। तो हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले लेंथ को कर देते हैं। अब देखो टॉप है तो टॉप से बनाना शुरू करेंगे, तो मैंने क्या किया, यहां पर इसको लाइन को ड्रॉ किया यहां तक, 80 mm है पूरा। ठीक है, तो ये मैंने मिला दिया 80 mm। ठीक है, अब ये मिलाया, अब ये कितना है आपका, अब ये देख लीजिए। ठीक है, पहले ये और इसकी साइड ही ले लीजिए, साइड कितनी है आपकी, 60। तो आपको कितना दिखाई दे रहा है, 60 mm, 60 mm यानी कि 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हमने ये लिया, तो 6 सेंटीमीटर आपको ये दिखाई दिया, और इसको मिलाया यहाँ तक, तो आपको ये एक ऐसे दिखाई दे रहा है। अब जो इसमें कटिंग करनी है वो हम करते चलेंगे, कहाँ कहाँ पर कितना कटिंग करते जाना है, क्या दिखाई दे रहा है आपको। क्लियर, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। अब देखो इसी साइड से नीचे का पोर्शन ले लेते हैं, ये हमारे कितना गए, 30, 30 की ये लाइन आ गई। अब देखो कितना अंदर जा रहे हैं, 12 mm, 12 यानी कि 1.2, तो 1.2 मैंने क्या किया, अंदर की ओर लेकर गए, यहाँ से 1.2 हम क्या गए, अंदर की ओर गए, और ये कहाँ पर मिल रहा है, ऐसे मिला हुआ दिखाई देगा आपको, और इधर से ऐसे दिखाई देगा, तो यानी कि यहाँ पर तो कुछ है नहीं था, तो इसको रब कर दीजिए, कुछ ऐसा आपको दिखाई दिया, ये पोर्शन ऐसा कुछ दिखाई दिया। ठीक है, ऐसे दिखाई देने के बाद हम देखते हैं क्या, कि आपको ये जो ये दिखाई दे रहा है ऊपर, ये पोर्शन कितना है, 25 और 30, 25 का हमारा ये बना हुआ है, 25 का ये पोर्शन था, ये हम प्रोजेक्शन इसके लेके गए, 25 हमारा बना हुआ है, 25 में अब ये हमें कितना दिखाई दे रहा है, ये कितना है, 30। तो 30 इस साइड लेगा ये, 30 मतलब 6 mm, 30 मतलब 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ऐसा है, और इसको मिलाया कहाँ पर, 25 के इस पोर्शन पर, और ये एक ऐसा बॉक्स आपको दिखाई दिया। ठीक है, अब ये बॉक्स आपका, ये फ्लैट एरिया कहाँ तक जा रहा है, इधर से 25 mm का ये प्रोजेक्शन लेके गए थे, तो इसको कहाँ तक लेके जाएंगे, ये आपको शो हो रहा है यहाँ तक, कहाँ पर, ये कहाँ पर शो हो रहा है आपकी, यहाँ तक शो हो रहा है।
ये पोर्शन, ठीक है, तो ये पोर्शन आपका यहाँ पर सोवा, ठीक, ओ एक मिनट, ठीक है, ये पोर्शन यहाँ पर सोवा, ठीक है। अब देखो, हमने एक चीज की प्रोजेक्शन लाइन नहीं लेके गए थे, वो हमने इसमें वहां पर वो कर दिए। देखो, आपका जो ये है पोर्शन 20 mm का है, और 20 mm की प्रोजेक्शन लाइन कौन सी है, 20 mm की प्रोजेक्शन लाइन है ये, ठीक, तो ये हमें लेकर जानी थी ऊपर, तो ये प्रोजेक्शन लाइन हम ऊपर लेकर गए ऐसे, क्लियर है। तो अब यहाँ पर हमारी ये जो बनना था, यहाँ पर बनना था, ये जो ये कटिंग हुई थी कहाँ तक तो हुई थी, यहाँ पर ये 30 mm की डिस्टेंस अब हुई है, क्योंकि ये तो 25 की थी ना, 25 की ये थी हमारी, 2.5 की, तो अब हमारा यहाँ तक तो होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ये बनेगा, ये बनेगा हमारा, ये क्लियर है। तो हमारा ये पोर्शन ये बन गया। अब इनकी कोई हमें रिक्वायर नहीं थी, इसकी भी और इसकी भी, तो कुछ ऐसे हमें क्या दिखाई देगा, टॉप से हमें देखने पर, टॉप से हमें कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। टॉप से हमें देखने पर कैसे दिखाई देगा, कुछ ऐसे दिखाई देगा, क्यों, अगर हम इसको भी ऐसे नीचे दबा दें तो आपको कैसे, ये पोर्शन 25 x 30, 25 x 30 ये बना, और आपका ये फ्लैट पोर्शन जो ये दिख रहा है, ये कहाँ से, इस कॉर्नर से 25 डिस्टेंस छोड़ कर दिख रहा है, तो ये हमने इसको बना दिया कितना, 30 mm में, 30 mm आपका, ये 30 mm यानी कि 3 cm में आपको दिखाई दे रहा है। अब इधर से ये जो कटिंग हो रही है, ये कटिंग आपको दिखाई दे रही है 12 mm की, जो कटिंग हो रही है कितनी, 30 mm यानी कि 3 cm, तो 3 cm ये आपकी प्रोजेक्शन लाइन जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा टॉप व्यू। तो टॉप व्यू की हम क्या कर देते हैं, साथ ही साथ डायमेंशन भी शो कर देते हैं, ये हमारा कितना है, ये हमारी यहां पर है 80, लेंथ कितनी है इसकी, 80, 80 mm, 80 mm। अब देखो ये कितना है आपका, ये पोर्शन है 25 का, ये आपका कितना है 25, तो इसको शो कर दीजिए, ये आपका है 25 mm। अब ये आपकी जो ये है, ये सेम इतनी है, ये कितनी है 30, यहां पर इसको शो कर दीजिए 30, ये कितना है आपका 30 mm, 30 mm। अब जो ये गहराई में कटिंग हो रही है, ये कितनी आपको शो हो रही है, 12 mm की, ये कितना है आपका 12 mm, 12 mm, ठीक है। तो ऐसे आपका क्या बन गया, टॉप व्यू, ये हमारा क्या है, टॉप व्यू, यहां पर मैं लिख देता हूं टॉप व्यू, और इसी को बोलते हैं प्लान, ये क्या है हमारा, टॉप व्यू या प्लान। अब देखो, अब हमें बनाना क्या है, अब हमें बनाना है साइड व्यू। साइड व्यू हमेशा काम बनता है एलिवेशन के लेफ्ट या राइट साइड में, जब राइट साइड में क्या बन गया, एलिवेशन यानी कि फ्रंट व्यू बन गया, तो हम टॉप व्यू किधर बनाएंगे, सॉरी साइड व्यू किधर बनाएंगे, साइड व्यू बनाएंगे हम लेफ्ट साइड में। अब लेफ्ट साइड में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन लाइन लेके जाते हैं किसकी, प्लान की और साइड व्यू की। अब देखो, सबसे पहले तो साइड व्यू की प्रोजेक्शन, सॉरी फ्रंट व्यू की प्रोजेक्शन लाइन ले लो, फ्रंट व्यू की प्रोजेक्शन लाइन में ऐसे लेकर गया, ये मेरी फ्रंट व्यू की प्रोजेक्शन लाइन गई यहाँ से, और सेम ऊपर से इसकी जो 12 mm की हाइट थी, इसकी प्रोजेक्शन लाइन में लेके गया ऐसे ही, यहाँ पर इसका टॉप कॉर्नर है, टॉप कॉर्नर की प्रोजेक्शन लाइन में ऐसे लेकर गया, ये प्रोजेक्शन लाइन इसकी हमारी ये आ गई, क्लियर है। तो ये प्रोजेक्शन लाइन थी हमारी, ये प्रोजेक्शन लाइन हमारी यहाँ पर आ गई ऐसे। अब सेम क्या वर्क करना है, सेम वर्क करना है ऐसे ही यहाँ पर भी, सेम वर्क क्या करना है, सेम वर्क ऐसे ही ऊपर प्लान के साथ भी करना है, प्लान की प्रोजेक्शन लाइन लेकर जाएंगे, ये प्लान की प्रोजेक्शन लाइन थी यहाँ से, ये प्लान की प्रोजेक्शन लाइन में ये लेकर आया, ठीक। अब ये पोर्शन जो कटिंग हो रहा है, ये भी पोर्शन हम इसकी प्रोजेक्शन लाइन ऐसे लेके आएंगे, तो
ये प्रोजेक्शन लाइन भी मैं ऐसे लेकर गया। अब यहाँ पर हमारा 30, ये जो 30 mm का ये है, इसकी प्रोजेक्शन लाइन भी मैं ऐसे लेकर आया। क्लियर है, ये प्रोजेक्शन लाइन आई। अब ऐसे ही हमारा यहाँ पर ऊपर का पोर्शन जो हमारा बचा है, इसकी प्रोजेक्शन लाइन भी मैं ऐसे लेकर आया। ठीक है, वो थोड़ी लाइन बनाने में दिक्कत हो रही है तो इससे बना देता हूँ मैं स्केल से। तो इसकी प्रोजेक्शन लाइन भी मैं ऊपर ऐसे लेकर गया। क्लियर, ये प्रोजेक्शन लाइन लेकर गया। अब हम करते क्या है, जो हमारा ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 45 डिग्री। तो इसको हम कर देते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री का एंगल लेंगे, 45 डिग्री का एंगल लेंगे और इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, टू पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर देंगे। ऐसे करके इसको हमने क्या किया, टू पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, कुछ ऐसे यहाँ तक जा रहा है आपका ये डिवाइडेशन। अब देखो, जो हमने ये डिवाइड किया और जहां जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पर इंटरसेक्ट किया प्रोजेक्शन लाइन को, यहां पर इंटरसेक्ट किया प्रोजेक्शन लाइन को, यहां पर प्रोजेक्शन लाइन को इंटरसेक्ट किया और यहां पर प्रोजेक्शन लाइन को इंटरसेक्ट किया। अब यहां से हम परपेंडिकुलर, अब यहां से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर क्या लेकर आते हैं, प्रोजेक्शन नीचे लेके आएंगे। स्केल को करते हैं हम जीरो पर सेट। जीरो पर सेट करने के बाद अब इनको परपेंडिकुलर, इनके प्रोजेक्शन नीचे लेकर आते हैं। और जो हमारी प्रोजेक्शन लाइन थी किसकी, आपकी फ्रंट व्यू की प्रोजेक्शन लाइन थी, फ्रंट व्यू की प्रोजेक्शन लाइन पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। अब ये भी नीचे लेके आएंगे सेम ऐसे ही, तो यहाँ पर इसको डाल देंगे। अब इसकी है जो ये प्रोजेक्शन लाइन भी नीचे लेकर आए, ठीक है, इसको भी यहाँ पर, अब सेम ऐसे ही प्रोजेक्शन लाइन थी, इस प्रोजेक्शन लाइन को भी नीचे लेकर आए और कहाँ पर गिरी, जो हमारी फ्रंट व्यू की प्रोजेक्शन लाइन थी इन पर डाल दी। अब जो ये एक्स्ट्रा पोर्शन बच गया, इसकी हमें कोई रिक्वायर नहीं थी, तो हम इस साइड को कर देते हैं रफ। ठीक है, ये साइड हम क्या कर देते हैं रफ। अब देखो, जो ये पोर्शन है सिर्फ इसी में हमारा क्या बनना है, सिर्फ इसी पोर्शन में हमारा क्या बन जाएगा, फ्रंट व्यू बन जाएगा। अब देखो फ्रंट व्यू क्या है, फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखाई दे रहा है, फ्रंट व्यू में आपको जो ये पोर्शन है ये दिखाई देगा, कितना 60 mm का, यानी कि 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर तो हमें कितना दिखाई दे रहा है, 6 सेंटीमीटर। अब देखो ये हमारा कितना है, ये हमारी कितनी थी, 6 सेंटीमीटर थी, तो ये हमारा है 6 सेंटीमीटर। तो इसको यहाँ से यहाँ पर मिलाया 6 सेंटीमीटर, इसकी कितनी 12 mm की हाइट दिखाई, 12 mm ये दिखाई दे रहा है, तो इसको मिलाया यहाँ पर, ये बन गया ऐसे। अब देखो ये लाइन किसकी आ रही है, ये लाइन हमारी किसकी आई, इसकी आ रही है। तो देखो यहाँ पर बीच में आपके इस साइड से यहाँ पर कोई कटिंग दिखाई दे रही है, जो कि हमें इधर से दिख नहीं रही है। तो मैं ये जो ये लाइन आई है, ये 12 mm डेप्थ की ये कटिंग आ रही है, ये गई। अब यहाँ से देखो ये आ रही है नीचे, ये आ रही है, तो ये, तो इसको मैं क्या दिखाऊंगा, डॉटेड, इस साइड से क्या दिखाऊंगा, इसको डॉटेड शो करूंगा कि हमारी इसमें इधर से कुछ कटिंग ऐसे कटी हुई है। देखो अगर मैं इसको ऐसे आगे लेके आऊँ, तो कहाँ पर कटिंग दिखाएगी, यहाँ पर इस साइड से। तो इस साइड से मैंने इसको क्या किया, डॉटेड बनाया। अब देखो ये हमारा ये बन गया। अब हम चलते हैं ऊपर, यहाँ पर ये दिखाया। अब आपको यहाँ से यहाँ तक कुछ टेपर दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक कुछ टेपर दिखाई दे रहा है, तो कितनी है हाइट इसकी, ऊपर जो ये पोर्शन बच गया, यहाँ पर हमारी 12 mm थी, ऊपर कितनी है 30, तो ये कितनी है 30। अब देखो ये जो ये प्रोजेक्शन लाइन आ रही है दोनों,
ये किसकी आ रही है, 30 सेंटीमीटर इसकी प्रोजेक्शन लाइन आ रही है। तो 30 सेंटीमीटर की ये प्रोजेक्शन लाइन आ रही है, ठीक है। ये 30 सेंटीमीटर हमारा हो गया, 30 सेंटीमीटर की ये यहाँ तक की हाइट 30 सेंटीमीटर की आ रही है। अब ये कहाँ पर गई, देखो इस साइड में दिखाई दी ना, ये यहाँ की 30 सेंटीमीटर की हाइट, इसकी लाइन किसके साथ मिलाए, इसके साथ ऐसे मिलाई, ठीक है, इसके साथ ऐसे मिलाई। और कहाँ ये वाली टेपर था ना, इसको कहाँ मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे यहाँ पर। और जो एक्स्ट्रा हमारा बच गया है, इसकी हमें कोई रिक्वायर नहीं थी, तो ये हमारा जो बनेगा, ये हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऐसा हमें दिखाई दे रहा ना, तो ऐसा हमें दिखाई देगा साइड से, ये पोर्शन यहाँ पर ये वाला, और ये आगे आ जाएगा यहाँ पर, तो ये ऐसे हमें डो सो होगा। अब ये हमारा क्या है बना, ये हमारा बन गया साइड व्यू, ये हमारा क्या बना, साइड व्यू बन गया, ठीक। डायमेंशन में शो कर देता हूँ, ये मेरा कितना है देखो, 60 mm ये दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। ये स्केल थोड़ी इधर होने पर थोड़ी ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरा कितना है 60 mm, और इसकी थिकनेस जो बनी हुई है कितनी है, 12 mm, 12 mm, ठीक है। और यहाँ से ये हो गई, अब ये हाइट जो है ये पीछे दिखाई दे रही है, ये कितना है ऊपर, 30 mm, ये कितना बचा आपका, 30 mm, ये 30 mm बना है। और कितनी उसमें, ये इसकी लाइन, ये दूसरी लाइन, ये प्रोजेक्शन लाइन आई है, इसको यहाँ तक बनाया, तो ये पोर्शन बन गया। तो ये हमारा क्या बना, ये हमारा इस प्रकार क्या बना, साइड व्यू कंप्लीट हो गया। ये हमारा साइड व्यू हो गया इसका, ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया एलिवेशन, और ये हमारा टॉप व्यू हो गया, ठीक है। हमने किसकी हेल्प से बनाया, इसकी हेल्प से बनाया थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, हम जिस साइड से वस्तु को देखते हैं उसी साइड बनाते हैं। किस साइड बनाई, राइट साइड बनाई, और किस में बनाया, वीपी में बनाया, किस में बनाया, वीपी में बनाया। और ये हमने किस में बनाया, एचपी में क्या बनाया, टॉप व्यू बनाया, और साइड व्यू लेफ्ट या राइट साइड में बनाया, तो हमने किस साइड में, लेफ्ट साइड में साइड व्यू बनाया, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है, इसी को हम बताएंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की हेल्प से भी, इसी क्वेश्चन का आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की हेल्प से भी बताएंगे, ठीक है। आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपको पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर की जो ड्राइंग है वो कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, ठीक है। इसलिए अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, थैंक यू।